अच्छा जी, बड़ा सीरियसली मैं आपको, खैर अभी आपने बजर दबा दी है। पैसे नहीं, नहीं दबाया सर, पैसा ही पैसा दबा दिया, बजर दबा दिया, पैसा ही पैसा। आप 7.5 लाख रुपए के लिए अब खेलने वाली हैं। अब आपको कैटेगरीज में दिखाता हूँ, क्योंकि अब आपके पास कैटेगरी और दो चीट्स बचे हैं। चीट्स भी कौन से कौन से हैं? एनिमल किंगडम, ज्योग्राफी, साइंस, सोशल स्टडीज, जर्नल नॉलेज, ये हो चुका है। फिजिक्स है हमारे पास, मैथ्स है, पर्सनैलिटी है, स्पोर्ट्स है, कल्चर है, रिडल्स है और इंग्लिश है। अच्छा, जो रेड वाले है ना, ये मुश्किल होते हैं, ये मुश्किल वाले हैं, और जो पर्पल है वो सबसे मुश्किल होता है नॉर्मली। सर ये चीज आपने पहले क्यों नहीं बताई? ये तो आपकी किस्मत है, किसी अच्छे देर ना चढ़े हैं। अब सोचना ये है कि आप तो आ रही पा रहे हैं, दो चीट्स हैं अभी आपके पास। देखो ये कितना फास्ट इंग्लिश बोलता है, इंग्लिश 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 इंग्लिश। यू वांट इंग्लिश ऑफ द रिपीट ऑफ द लैंग्वेज यू वांट? ओके, विल गिव यू द रिपीट। इंग्लिश लॉक करें फिर, बजर दबाएं। इंग्लिश इंग्लिश रिपीट, इट इज ऑफ द रिपीट इज ऑन। कम टू द सवाल। 750 लाख रुपीज, ओके, 7.5 लाख, 7.5 लाख रुपया, ओके, इंग्लिश 7.5 लाख रुपए का सवाल, 7.5 लाख रुपए का सवाल, 7.5 लाख ये आ रहा है, समझ रहे हो? What does break a leg means? What does break a leg means? ये okay okay okay. ईशा को आ गया. Okay, very good. What does break a leg means? Fracture. ओए, खामोश. Fracture तो नहीं, उसके बाद होता है. Okay, वैसे बड़ा obvious है, बहुत ही ज़्यादा obvious है. आपने इंग्लिश चूज की है, ठीक है, ब्रेक अ लेग, इसी के अंदर आंसर भी है उसका, ठीक है, ये मैं आपको हिंट दे सकता हूं। आप में से ब्रेकर तो नहीं थी, इसका ताल्लुक थोड़ा सा पेरिस की तरफ भी है। पेरिस? मैं बस इतना आप बता सकता हूं। अब आप पे है, पेरिस में टांग टूटी है। अब बताओ यार, बहुत आसान, क्या पता मैं कंफ्यूज भी कर रहा हूँ आप लोगों को, जो कि मेरी आदत है कंफ्यूज करने की। ब्रेकडाउन। अच्छा देखें, आप लोगों ने आई एम श्योर इंग्लिश आप तीनों को आती है, क्योंकि स्टेटस हमेशा इंग्लिश में होते हैं। एंड हेलो गाइस, कीप वाचिंग, फॉलो, सब्सक्राइब, लाइक, है ना? फीलिंग अलोन, यस, विद 99 अदर्स। क्या है यार, 7.5 लाख रुपया है, आउट टांग तोड़े। इसकी उर्दू में मैंने सर उर्दू में बताना है कि इंग्लिश में बताना है, इसकी ट्रांसलेशन करनी है। आप पश्तो में मेरे तरह से बता दें, आपको क्या समझ आती है ये वर्ड जो है, इससे क्या समझ आ रही है? यार देखो ये थोड़ा सा ना ट्रिकी क्वेश्चन है, मैं सोच रहा हूँ कि हल्का ही ले लेते हैं, थोड़ा सा वो लगा मुहावरा, क्योंकि नहीं सीट ले लो, मुहावरा लग रहा है इसको। हां ब्रेक द है जी, चीट ले ले। इजमा ने एक बड़ी अच्छी हिंट दी, आप लोगों को समझ नहीं आई? नहीं सर, मुझे समझ लग गई, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा हूँ। सिर्फ कोडिंग पकड़ना हल नहीं है, इसका जवाब देना है हमने। हमारे पास क्या चीट है? दो, एक तो कॉपी है, आप पास दो हैं। अब एक है छाप दो, अभी जो आप यूज कर सकते हैं वो है छाप दो। अच्छा, जो उसका आंसर होगा सही हो या गलत वो आपका काउंट होगा। नहीं तो अगर उसने सही जवाब दिया फिर यार मुझे लग रहा है, देखना खुद जवाब देना चाह रहे हैं या उसके जवाब पे जाना सर। और दूसरी लाइन क्या है, हेल्पलाइन? वो तो आगे है, वो उसके बाद है। वो क्या है वैसे? वो है बचत। बचत? अच्छा गलत हो गया तो पहले आपका छाप दो है अभी। यार मुझे बच्चे के मुंह पे लग रहा है, पढ़े लिखे बच्चे, पढ़ा लिखा बच्चा, पढ़े लिखे बच्चे लिख दिया उसने, स्कूल के बाद भी जाएगा, बात नहीं कर सकता, आंसर लिखा हुआ वो आंखों में बता दिया उसने मुझे, मैं छापूंगा। छाप दो लेना चाह रहे हैं? इतनी प्राउडली उसके फेस पे प्राउड दिख रहा है कि मैंने जवाब लिख दिया हुआ है। उसका लैपटॉप ही नहीं चल रहा, जाओ बेटा जी। अच्छा जी, आप बताएं ब्रेक अ लेग का क्या मतलब होता है? टांग टूटना। उनका जवाब है टांग टूटना, ठीक है जी। ब्रेक अ लेग का मतलब है टांग टूटना। आपने कहा कि छाप दो, आप लोगों में से एक्टर कौन है हाथ खड़ा करें? सभी एक्टर हैं, सभी एक्टर हैं, सोशल मीडिया एक्टर हैं। अच्छा मैं अब आपको बताता हूँ, एक बहुत मशहूर टर्म है, जब भी कोई स्टेज पे जाने वाला होता है ना तो उसको कहते हैं ब्रेक अ लेग। ये थिएटर की टर्म है, गो फॉर इट। ब्रेक अ लेग का मतलब होता है गुड लक। आइए देखते हैं जी, व्हाट डज ब्रेक अ लेग मींस। बचत अब यूज करना पड़ेगा। जब भी परफॉर्मेंस होती है स्टेज पे, कोई भी जाने वाला होता है ना, उसको कहते हैं ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग, और थिएटर की दुनिया में इसको सुपरस्टिशियस भी कहते हैं, लोग कहते हैं कि ब्रेक अ लेग ना कहो क्योंकि परफॉर्मेंस गलत हो जाती है। हमेशा थिएटर से ये आई थी टर्म कि गो ब्रेक अ लेग।
और वहां से हमेशा ब्रेक अ लेग का मतलब होता है गुड लक। तो खवातीन हज़रात ब्रेक अ लेग, वेरी वेल प्लेड। सर बचत नहीं यूज कर सकते हम? आप बच्चा कार लेके जाएं उन, क्योंकि उसने तो कहा था बच्चा आपने, माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोगों के पास 5 लाख रुपए आ रहा था जो मैं आपको दे रहा था, वो आपने नहीं लिया, 7.5 लाख रुपए आपका डूब गया। थैंक यू वेरी मच, आप लोग हार चुके हैं। तालियां। और अगले शो के लिए ब्रेक लेग खातिर हजरात, मगर आप ब्रेक लेग नहीं, आपके लिए एक और सवाल है, क्योंकि आप 50,000 रुपया घर बैठे जीत सकते हैं। आप लोग का सवाल इस हफ्ते का ये है, In what country was Elon Musk born? Elon Musk किस कंट्री में पैदा हुआ? वाह वाह वाह, इसका जवाब आपने देना है #छठी के बच्चे आपसे अच्छे #टैग करेंगे तो आपका जवाब काउंट होगा। अगर आप 50,000 रुपये जीतना चाहते हैं अगले हफ्ते तो इसका जवाब दें, हमारे सोशल मीडियाज पे जाके इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने होती है। खातिन आज़ाद, सबसे पहले तो हम नबील का, ईशा का और इज़मा का शुक्रिया अदा करते हैं। ब्रेक अ लेग, ओके जी, बाकी खत्म हो गया, वापस ये इसको ले दो, ये इसको दे दे सर, ये दफा मैं भी इसको दे दे सर, ये 8 लाख का सवाल पूछ ले। हां अब मैं, अच्छा चलो मैं आपको अपनी जेब से 5 लाख रुपए दूंगा। ओह माय गॉड, अपनी जेब से 5 लाख रुपए दूंगा अगर आप मुझे इस सवाल का जवाब दे दें, अगर आप मुझे इस सवाल का जवाब दे दें। ठीक है, अब मैं अपनी जेब से 5 लाख रुपए दे दूंगा। आप कर रहे सवाल, इस सवाल का मुझे जवाब दे दे, आप दोनों में से इसके साथ डिनर पे कौन जाएगा? मुझे क्यों, मैं जाऊंगी। 5 लाख ले, उसमें से दे दूंगा। हो गया ना, आज तो सारे मैं रखूंगी, तो जो 5 घंटे 2-1 घंटे मैंने ट्राई की थी। खातिन आजाद का ख्याल रखिए, पाकिस्तान जिंदाबाद। एक मिनट में आखिरी खिलाड़ी कौन? That's the catch. Captain! किसी भी एंगल से ये नहीं कच्चे, क्योंकि छठी के बच्चे आपसे अच्छे। सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।